ये हमारे अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की तरफ से जो रोहतक जिला है, इस रोहतक जिले में 18 लाख से भी ज़्यादा, समझिए 18.5 के करीब लाख रुपए के चेक जो है वो लाभार्थियों को बांटे गए विभिन्न योजनाओं में। जैसा कि हमारा निगम जो है इसमें अलग अलग योजनाएं हैं, वो हैं यहाँ के नागरिकों के लिए, गरीब जो नागरिक हैं हमारे, शोषित वंचित नागरिक हैं, अगर अपना वो कोई काम शुरू करना चाहें तो उसके लिए हम लोग सॉफ्ट लोन्स देते हैं उनको, तो उसी के तहत आज ये चेक बांटे गए हैं। तो ये सरकार की जो योजना है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा था कि अब धीरे धीरे हर ज़िले पर अंत्योदय के नाम से हम दफ्तर भी खोलेंगे, ताकि हमारे जितने भी जो नागरिक हैं वो वहाँ पर जाकर जो भी योजनाएं हैं उनके बारे में जानकारी ले सकें और उनका फ़ायदा उठा सकें। तो आज हमारी कॉरपोरेशन की तरफ से इसी योजनाओं के तहत 18.5 लाख के करीब के जो हैं वो चेक बांटे गए हैं। हाँ, ये बिल्कुल अनुसूचित जाति के जो हमारे भाई बंधु हैं उन लोगों के लिए ये निगम है, और इसमें उन्हीं के लिए जो है विभिन्न योजनाओं में वो हमारे वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं, और वो जिलों में भी जाकर उनके बारे में विस्तार से जानकारी ले सकते हैं। जो छोटे छोटे, जैसे जो हम बोलते हैं कि बहुत लघु उद्योग जिनको बोलते हैं, बहुत छोटे छोटे जो भी अपना कोई अपना नया बिज़नेस शुरू करना चाहे, तो उसके लिए हमारी कॉरपोरेशन की तरफ से उनको ऋण दिया जाता है, और बहुत ही मार्जिनल इसमें जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है, और इसमें सब्सिडी भी प्रोवाइड की जाती है सरकार की तरफ से। तो बहुत ही लाभान्वित इससे हमारे नागरिक जो हैं अनुसूचित जाति के वो होते हैं, और इसलिए इस योजनाओं का पूरे हरियाणा में बड़े अच्छे तरीके से जो है वो जो सुचारू रूप से चल रहा है, और इसके साथ साथ उनको चेक बांटे जाते हैं। अभी पिछले दिनों हमने भिवानी में 40 लाख के करीब चेक बांटे थे, आज यहाँ रोहतक में है। तो इसी तरह से पूरे हरियाणा में जो हमारे अनुसूचित जाति के जो हमारे लाभार्थी हैं उनको इसके ऋण दिए जाते हैं और उनको ये चेक बांटे जाते हैं।